कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति ये नज़म मुझे इसलिए इनके साथ गानी पड़ी क्योंकि टाइम बहुत कम था, मैंने लिखा था तो करता है इस वक्त वो मौका नहीं है। और ऐसे मौकों पे जो बच्चों ने सिक्स किए, जो बच्चों ने कहा वही होता है। अपनी बात 50 साल में 30 साल में आप कहते रहे, अब वक्त आया है कि हम वक्त को बदले और वक्त के साथ चलाए ताकि हमारा नाम भी आने वाले जमाने में कहा जाए कि ऑनेस्ट डेडिकेटेड वर्कर्स, ऑनेस्ट डेडिकेटेड रिलीजियस प्रीचर्स एंड टीचर्स, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड स्कूल टीचर्स प्रिंसिपल्स और हमारे होनहार बच्चे, ये हिस्ट्री बने हमारे वक्त की। मैं यही उम्मीद करूंगी कि हमारा जो वक्त है वो वक्त के साथ तरक्की करे। मैं तमाम बच्चों का, तमाम मीडिया का, जो यहाँ पे आए हुए सारे मीडिया, जो बाहर हमारे मीडिया के ब्यूरो चीफ्स आए हुए थे, न्यूज 18, टाइम्स नाउ, जीनत साहिबा बैठी हुई है, अर्शद साहब बैठे हैं गड़ियाल के, और बाकी गुलिस्तान न्यूज जो हमेशा साथ साथ रहते हैं हमारे हर दौर में, मीडिया वक्त को वक्त के साथ और हिस्ट्री बनाने में मेरे मीडिया ने जो रोल किया, मैं आज इस मंच से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। तमाम भाइयों का जिन्होंने साथ दिया और लोगों तक वक्त को पहुंचाया। सही रोल हम जो नहीं कर पाते वो मीडिया ने करके दिखाया और घर घर की आवाज वक्त को बनाया। मैं सब भाइयों का, सब बहनों का शुक्रिया करती हूँ, और खासकर जो अर्शद भाई आजकल वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। देखिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात थी उसका 100वां एपिसोड था, और हमारे लिए ये फेस्टिवल से कम नहीं था, क्योंकि मन की बात में कभी पॉलिटिक्स नहीं हुई, इसमें सिर्फ समाज को उजागर किया गया, वो बातें जो समाज से छुपी हुई है, और जो लोग आम लोग हैं जो अपने दिल की बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाते हैं अपने खतूत के ज़रिए, अपने मेल्स के ज़रिए और अपनी रिकॉर्डिंग्स के ज़रिए, और वही बात लोगों तक पहुंचाने में हमारे ऑल इंडिया रेडियो और जो मोदी जी काम कर रहे हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हर कोई कर सकता है। आज तक दुनिया में जब भी किसी ने शुरू किया ये काम, वो पूरा ही नहीं कर पाए, 10 एपिसोड से ज़्यादा या 12 एपिसोड से ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों की जो उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ, वो उनके साथ अपने दिल की बात खुले तरीके से करते हैं, और वही खुले मन के साथ मोदी जी ने उसको कोने कोने में पहुँचाया, और उन बातों से जो हमारे आर्टिजन्स को, जो हमारे पिछड़े वर्गों को जो इज्जत मिली, शायद ही आज तक किसी देशवासी ने या किसी देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया होगा। इसीलिए आज जो हमारी गोल्डन जुबली थी और जो बड़ा कंक्लेव आज हमने यहाँ पे वक्फ
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के तहत जो यहाँ पे हुआ, हमारे स्कूली बच्चे, टीचर्स, मौलाना साहिबान, रिलीजियस प्रीचर्स सारे इसमें शामिल हो गए, सोशल एक्टिविस्ट्स इसमें। ये रहा कि इसमें समाज के हर वर्ग के लोग आए और यहाँ पे एक ग्रैंड कन्क्लेव, हज़ार लोग यहाँ पे थे और आप मीडिया बाई सारे साथ साथ रहे। इस कन्क्लेव को आपने पूरा नशर किया और हमें खुशी है कि हम इस एपिसोड को सारे मिलकर बैठ के सुन पाए और हमारे बच्चों ने राष्ट्रगान के साथ इसको शुरू किया और जो मन की बात में आज तक जो बातें हुई थी उनको सिकट्स में यहाँ पेश किया। ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी थी।